बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के ज़रिए मैं अपने हुक्मरानों से, अपने तमाम हुक्मरानों से जो अपने आप को हुक्मरान कहते हैं, हम तो ये कहते हैं कि वो इलेक्शन में खड़े होके वोट लेके इस मुल्क की खिदमत करने आए हैं, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, हम हुक्मरान हैं। तो चलें, मैं आपको इस वीडियो में हुक्मरान कह रहा हूँ तमाम लोगों से। आवाम के साथ आप जो बात भी करें उसको हजम होनी चाहिए, ये ज़रूरी है। अगर वो हजम नहीं होगी तो फिर आपको उस फैसले के अंदर ज़रूरी चेंज करना चाहिए, यानी कि उसको बैठना चाहिए। यानी कि हमें कोई एतराज़ नहीं है जब आप कहते हैं स्टे होम स्टे सेफ, हमें इस बात पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोगों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, वैसे भी गर्मी है, वैसे भी रमज़ान है, अच्छी बात है। लेकिन जो गुफ्तगू जो हमें बताई जाती है, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो के जरिए मैं आपको दे रहा हूं फीडबैक, और कोई भी कंपनी जो है वो पैसे खर्च करती है, लाखों रुपए खर्च करती है फीडबैक के लिए, तो कस्टमर फीडबैक बड़ा जरूरी होता है। इस तरीके मैं आपको अभी जो है वो एक फीडबैक दे रहा हूं, ये अवामी फीडबैक है जो आपके जो वो जो थिंक टैंक बैठती है बात करती है, वो इस फीडबैक को सुने कि आवाम सोच किस तरीके से रही है, चाहे वो फेडरल हो, चाहे वो प्रोविजनल हो, चाहे वो किसी सूबे की भी हो, सब सुन लें मेरी बात। कि जब आप कहते हो कि सुबह से लेकर 5 बजे तक जो है रक्षा चलेगा और 5:15 बजे जो है उसमें नहीं बैठना, यानी कि 5:15 बजे कोरोना हो जाएगा आपको, तो हमें ये लॉजिक समझाई जाए कि 5 बजे के बाद उसमें क्या चेंजिंग आती है कि वो कोरोना हो जाएगा उसके अंदर, कि अगर पुलिस पकड़ ले तो उसको फिर वो पैसे देने पड़ते हैं। उसके बाद 5 बजे तक पेट्रोल पंप खुले होते हैं तो सब ठीक होता है, एवरीथिंग इज ओके, लेकिन 5:15 बजे जो है वो अगर आप पेट्रोल भरवाएंगे तो कोरोना हो जाएगा। ये थोड़ा सा हमें लॉजिक हमें सीखना है आपसे, हमें आप बताएं कि वो राज क्या है जो हमें समझ में नहीं आ रहे। मामला ये है कि कल मैंने देखा कि एक सब्जी फरोश सब्जी बेच रहा था, वो सब्जी समेटता हुआ पकड़ा गया, 5:05 होंगे और उसको उसकी फीस देनी पड़ती है। फिर मसला ये कि फीस देनी पड़ती है, अब ये बातें शायद ऊपर पता ही नहीं है कि 5:05 पर 5:15 के ऊपर अगर वो पकड़े जाते हैं शॉप बंद करते हुए या किसी भी एक्टिविटी में, तो उनको पैसे देने पड़ते हैं, वो फ्री में नहीं छूटते, केस तो नहीं होता लेकिन उनको पैसे देने पड़ते हैं। अब कोरोना साइड पे हो जाता है, वो जो दिन भर में उन्होंने कमाए होते हैं 500 रुपए, उनको 3,000 देने पड़ जाते हैं। तो अब क्या पता है ये आपको, यानी कि जो मेरे 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 जो हुक्मरान हैं उनको पता है इस बात का कि दुकानदारों को ये प्रॉब्लम हो रही है और ये मेरे सामने हो रही है। देखिए, सच ये है कि ये बात गवर्नमेंट खुद मानती है कि हमारी अक्सर जो टेस्ट किट्स हैं वो खराब हैं, अक्सर दुनिया भर में खराब है, ये आपकी बात नहीं है। सादे पानी का टेस्ट हुआ है पॉजिटिव, फूलों का टेस्ट हुआ पॉजिटिव, बिल्ली का कुत्ते का टेस्ट हुआ पॉजिटिव, ठीक है ना, नेगेटिव तो आता ही नहीं है, जो सरकारी लेबोरेटरी है उसका तो पॉजिटिव, ठीक है ना, ये बात तो पुरानी है ना, कोई छुपी बात तो नहीं है। मैं आपको एक वाक्य बता देता हूँ। एक दोस्त के मेरे फादर को जो है वो एक रूटीन चेकअप था, 6 मंथ के बाद होता है, तो उस चेकअप में जो है उन्होंने कहा कि जी आपका हम वो भी करेंगे, कोरोना टेस्ट भी करेंगे, वो किया पॉजिटिव, आने ही पॉजिटिव था, पहले से मुझे, मैंने कहा नहीं करवाएं क्योंकि ये करेंगे तो होगा आ जाएगा, लेकिन वो आ गया। उनको बताएगा कि अंकल आप घर नहीं जा रहे, आप क्वारंटाइन कर रहे हैं आपको हम, ठीक है ना। अंकल का 50% तो वहीं पर इंतकाल हो गया कि मुझे घर नहीं भेज रहे, मुझे 14 दिन के लिए कमरे में डाल रहे हैं, बेड में डाल रहे हैं। उसके बाद वो अच्छा भला आदमी 2 दिन में फारिग हो गया, उसकी डेथ हो गई। 2 दिन में उस भले चंगे आदमी की डेथ हो गई इस खौफ से कि मैं कोरोना पॉजिटिव आ गया हूं और अब ये होगा, मतलब जो एक खौफ जो मीडिया ने फैलाया हुआ है वो खौफ वो ले गया और वो दुनिया से चला गया। आप 5 बजे मेडिकल स्टोर बंद कर रहे हो, मेरी आपसे दरखास्त है कि अगर जंग भी शुरू कहीं हो जाए ना तो ये मेडिकल स्टोर ना बंद करवाया करें, क्योंकि आपने लोगों ने हॉस्पिटल जाना छोड़ दिया है। यकीन माने, लोगों की टांग टूट जाए, लोग एक्सीडेंट से मर रहे हैं, कोरोना केस में डल जाते हैं वो लोग। मैं आपसे कह रहा हूं, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि बहुत कुछ हो रहा है, मैं यहां पर जिक्र नहीं करना चाह रहा, लोगों का दिल नहीं खराब करना चाह रहा कि क्या होता है, लेकिन खरीदो फरोख्त भी होती है, ठीक है ना। आपके इलम में है, मैं मानता हूं, यकीन करता हूं आपके डॉक्टरों के इलम में है कि क्या होता है, वो सब जानते हैं। इस टाइम जो डॉक्टर हैं
वो उनके बारे में मैं भी अगर शुरू हो जाऊंगा लंबी बात हो जाएगी, मैं इसलिए नहीं करना चाह रहा। लेकिन डॉक्टर्स हजरात, आप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं ना कि घर बैठे हैं और ये नहीं होना चाहिए, बंद बंद कर दें, बंद कर दें, बंद कर दें, बंद कर दें, यानी कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि आवाम को भूखा मार दें, बंद करके भूखा मार दें मगर बाहर नहीं आए, और दूसरी तरफ जो हॉस्पिटल में हो रहा है वो आपको पता तो है ना, या फिर मैं सारे काम छोड़ करके हॉस्पिटल का साइड जगह चला जाऊं, वहीं बैठ जाऊं और आप वहां की रिपोर्ट देना शुरू कर दूं। लेकिन मसला ये कि फिर आप मुझे वहां बैठने का देंगे, सारे राजवास खुल जाएंगे आपके। इसलिए मेरी बस इतनी दरखास्त है अपनी हुकूमत से, अपने हुक्मरानों से, कि थोड़े से होश नाखून लें, SOPs पर अमल होना चाहिए, लोगों को वैसे भी ख्याल करना चाहिए, जरासीम के मामला वैसे भी खतरनाक हैं, लेकिन यहां पर यह बात हम भी जानते हैं, डॉक्टर साहब भी जानते हैं कि आपको नजला हो, आपको जुकाम हो, आपको खांसी हो, आपको किसी किस्म का वायरल हो, आपको छींकें आ रही हो, आपको कोई भी चीज़ हो रही हो, आपको बुखार हो, आप अगर उसे टेस्ट करोगे पॉजिटिव आएगा वो, क्योंकि उसके अंदर एक जरासीम तो है, और जो मशीन है, जो टेस्ट किट है, उसको नहीं पता कोरोना क्या होता, वो बेचारा जरासीम पकड़ रहा होता है कि इस बंदे में कोई इन्फेक्शन है, कोई जरासीम है, तो वो रिजल्ट पॉजिटिव दे देता है। तो मरीज को जब आप कहते हैं कि आपको कोरोना है, तो वैसे ही 70-80% की मौत हो जाती है, और फिर वो कहते हैं डैमेज हो गया, तमाम चीज़ें हो गई हैं। तो ये दिस इज वॉट इट इज। मेरा मौजूदा हुकूमत से मुतालबा है कि खुदा के लिए जो आपकी इस टाइम की पॉलिसी है उसको रिवाइव करें, बैठें उसके ऊपर बात करें कि क्या वो ऐसी चीज़ें हैं जो आवाम को हजम नहीं हो रही हैं, जो सुनते हुए समझ नहीं आ रही हैं कि भाई ये मेडिकल स्टोर अगर 5:15 बजे बंद नहीं हुआ तो क़यामत आएगी, या रक्षा बंद करना ज़रूरी है, या सब्ज़ी की दुकान बंद करना ज़रूरी है, या एक जनरल स्टोर जो है उसको अगर 5:15 बजे बंद नहीं करते तो क्या होगा। कॉस्मेटिक बंद कर देना, मतलब कॉस्मेटिक कपड़े दुकान बंद कर दे, समझ में आती है, लेकिन जो बेसिक नीड है, क्योंकि मेडिसिन के लिए मैंने खुद तकलीफ उठाई है, मैं उसे कर नहीं कर रहा, खुद तकलीफ उठाई है मैंने, मुझे उसके लिए कहाँ जाना पड़ा मेडिकल मेडिसिन अरेंज करने के लिए, एक सफ़र था। और जब आदमी वैसे ही फिजिकली आप ओके नहीं हो, आपको 4 किलोमीटर चलना पड़ता है, तो उसको तकलीफ होती है, तो आप इतनी तकलीफ मत दें। देखिए बात यह है कि आपके फायदे की बात यह है कि तमाम चीज़ें कुदरत नोट कर रही है, कुदरत भी देख रही है, कुदरत भी सुन रही है, कहीं ये ना हो कि कुदरत को कोई बात बुरी लग जाए, और अगर कुदरत को कोई बात बुरी लग जाए तो झाड़ू फिरता है। और मैं नहीं चाहता कि, उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अल्लाह हाफिज़।